ऑब्वियसली मैं उनको मतलब ये तो आपको एंटरटेन करने के लिए हाँ जी मैं देख नहीं पा रही लेकिन ना कुछ कुछ मैंने क्लिप्स देखे जो मुझे बड़े एंटरटेनिंग लगे हैं तो मज़ा आ रहा है ऐश्वर्या एंड नील ऑब्वियसली मैं उनको मतलब ऐसे नहीं जानती बट आई नो क्योंकि मैं उन्हीं के शो का हिस्सा हूँ तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड दे आर प्लेइंग वेरी गुड हाँ जी हाँ ये तो आपको एंटरटेन करने के लिए आप लोग को मज़ा कैसे आएगा ये प्यार वाला झगड़ा है उनका कौन नहीं सॉरी मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती तो मुझे पता नहीं कौन कौन है पता नहीं पर जो भी गए सबको ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से खेलो सब अच्छे से खेल रहे हैं शुक्रिया नंबर वन के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ जी थोड़ा सा मुश्किल था बट हमने सोचा नहीं कि हमें नंबर वन जाना है या नहीं हमने बस दिल से पूरी ईमानदारी से अच्छे से काम किया और रिजल्ट आपके सामने हाँ जी ऑब्वियसली क्योंकि सीजन वन के एक्टर्स ने बहुत ही ऊपर ऐसे बेंचमार्क सेट किया था और बहुत ही पॉपुलर हिट शो था फिर हमारे लिए थोड़ा ऐसे था कि ओ अब हमें मैच करना है वो तो दैट्स इट बट आई थिंक वो बहुत फन भी था क्योंकि वो थोड़ा प्रेशर थोड़ा नर्वसनेस ना हमेशा काम करता है तो हाँ जी हाँ नहीं आई फील ऐसे तोड़ना वोड़ना नहीं बट ये हमारा प्रोसेस है ये कोई भी प्लेटफॉर्म का प्रोसेस होता है आगे पीछे होता रहता है तो अभी हम आगे फिर हो सकता है वो आगे आ जाए तो इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस हाँ जी 45 मिनट्स एकदम ऐसे रेडी हुई हूँ मैं क्योंकि डिसाइडेड नहीं था क्या पहनना है बहुत लास्ट मोमेंट सब कुछ हुआ बट हो गया आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ बस यही सुनना था नहीं ये प्रेशर मैं लेती नहीं ऐसे प्रेशर बट अच्छा लग रहा है ये था शो में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे इंटरेस्टिंग वाले क्योंकि अब रीवा इज़ ऑल्सो कमिंग बैक सो प्लीज़ कीप वॉचिंग हूँ मैं किसी के प्यार में एंड थैंक्स फॉर लविंग अस सभी के कैरेक्टर में अभी ना सभी के अंदर ऐसे बटरफ्लाइज हो रही है अब वो क्यों हो रही है आप देखो इतना दे दिया मैंने हिंट यस थैंक यू